इन्हीं दिनी गावां दे विच लंपी स्किन नाम दी बीमारी दा खतरा लगातार वधदा जा रहा है, जिस नूं लै के जगबाणी दी टीम वल्लों दो गौशालावां दा दौरा कीता गया, जिथे कि इह वेख्या गया कि पशुआं नूं बचाउण लई किस तरह दा ट्रीटमेंट दित्ता जा रहा है। एक गौशाला विच वेख्या गया कि गावां दा खास ख्याल रख्या जा रहा है ते बीमार गावां नूं वख रख्या जा रहा है। गौशाला दे केयरटेकर BR शर्मा खुद गावां दी देखभाल कर रहे ने ते खुद हर एक गां नूं नजदीक जाके उसदे खाण पीण दा प्रबंध कर रहे ने ते बीमारी है जां नहीं इस लई भी दो बार डॉक्टर आके गां नूं चैक करदा है ते जे कोई बीमारी पाई जांदी है तां उस नूं वख कर दित्ता जांदा है। उन्हें खाना पीना बंद कर देती है तो टेम्परेचर मिल रहा है सभी गायों में, जिनके पास हम जा रहे हैं उनके पास टेम्परेचर किसी का 103 किसी 104 5 इस तरह से टेम्परेचर आ रहा है, तो हम इसमें इंजेक्शन दे रहे हैं नीमोपैरा मिलोक्सीपैरा और साथ में एंटीबायोटिक दे रहे हैं एनरोफ्लॉक्सासिन वगैरह और मल्टीविटामिन दे रहे हैं ट्रीवीवेट ताकि इनकी प्रॉपर टेम्परेचर भी टूटे और इन्फेक्शन ना बढ़े और इनकी ग्रोथ भी मतलब मल्टीविटामिन से कोई कमज़ोरी ना आए। हमारे पास जैसे 22-23 गायें हैं तो उनमें से हमारी रिकवरी 9-10 की रिकवरी हो चुकी है, बाकी की कोशिश हमारी जारी है, उनके ऊपर उपचार कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा ये प्रयत्न है कि हम आगे ये बीमारी ना बढ़ने दें, जहाँ भी हमारे को लग रहा है हम उसी को कैच करके मतलब लग कर रहे हैं, उन गांवों में नहीं रख रहे हैं और उसका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। मैंने दवाई जाती है जो लंबी स्किन की जो बीमारी आई है ये एक तरह की महामारी है, जैसे इंसानों में कोरोना की बीमारी आई थी ऐसे ही गौ माता में ये एक बहुत बड़ी महामारी आई है। और ये जो बीमारी है इसके लक्षण जो है ये ना उसके ऊपर फिंसियाँ टाइप हो जाती हैं, जैसे अपने बच्चों में चेचक होती थी वैसे ये बीमारी है। उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं कि जैसे बुखार आ जाता है, सबसे पहले उसके लक्षण है कि गौ माता को बुखार आ जाएगा, वो खाना छोड़ देगी, तो उसके लिए हम उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कि मल्टी विटामिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है और बुखार का इंजेक्शन दिया जा रहा है और ताकत के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन औरों में ना फैले। और जो भी हमें चिन्हित हो रही है गाय की जिसको हमें लग रहा है कि हो गया है तो उसको हम अलग रख रहे हैं। और दूसरा, महादेव की कृपा से हमारे पास जितने भी केसेस थे 8-10 केसेस थे उसमें से 5-7 केस जो हैं हमारे वो ठीक हो चुके हैं, बाकियों का हम उपचार कर रहे हैं। और दूसरा, हमें अगर किसी और में भी लग रही है तो हम उसको अलग रख रहे हैं। इस बारे बोलदे हां डॉक्टरां ने भी दस्सिया कि जिन्हां लोकां ने अपने घरां विच गावां रखियां होईयां ने ओह साफ सफाई दा ध्यान रखण। उन्हां इह भी दस्सिया है कि जो गां बीमार होवेगी उस दे लक्षणां दे विच सब तों पहलां गां दे पैरां विच सोजश आवेगी, तां उस तों बाद गां दे शरीर उत्ते इस तरहां दे दाग पैणे शुरू हो जाणगे जिस तरहां के चेचक दे दाग पैंदे सी। सर, हरा चारा भी हमारे पास काफी आ रहा है, हमारी जो कारपोसना बचा है वो काफ़ी अच्छा चारा और तूड़ी हमारे पास आ रही है, चोकर भी आ रहा है। वो जो हमने इंजर्ड गाई हैं जो ये बीमारी आई है ये साइड में रखे हुए हैं और इनका इलाज साथ साथ में चलता है हमारे पास, वो डॉक्टर एक फार्मासिस्ट है ये अपना काम कर रहे हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है, ऑफिस भी हमें दे रहा है और डोनेशन भी हम ले रहे हैं जो आ रही है दाना वो भी आ रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी दसिया है कि गां का इलाज 3-4 दिन के विच हो जाना चाहिदा है ते जदों प्रॉपर दवाई दिती जाएगी तो 4-5 दिन के विच गां की रिकवरी भी शुरू हो जाएगी ते 12-15 दिन के विच गां पूरी तरह सेहतमंद हो जाती है। जगबाणी TV लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।